हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप में जो एडमिशन्स होते हैं क्लासेस टू से लेकर के नाइन तक, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन क्लासेस तक जो एडमिशन होते हैं ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप के अंदर, वो उसकी डेट्स आ चुकी हैं। दिल्ली में जो एडमिशन्स होते हैं उसकी डेट आ गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो गई है सारा सर्कुलर और डिटेल्स जो मैं आज आपसे आपके साथ शेयर करूंगी। ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप में केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो दिल्ली के निवासी हैं और उनकी सालाना आय, वार्षिक आय जो है 1 लाख से कम है। और ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों के लिए है ये एडमिशन का प्रोसेस, डीजी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो जो डेट्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप भर सकते हैं 18 अगस्त से, 18 तारीख जो कि कल है थर्सडे, उस दिन फॉर्म आप भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट डेट है इसकी, वो है 25 अगस्त, वो भी है थर्सडे, शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और ये जो रिजल्ट है, जो ड्रॉ निकलेगा, ये 30 अगस्त को निकलेगा जो कि है ट्यूसडे। 30 अगस्त को आप देख पाएंगे कि आपके बच्चों का ड्रॉ में नाम निकला है या नहीं। तो ये क्लासेस सेकेंड से नाइन्थ तक के लिए है ईडब्ल्यूएस फी स्ट्रिप कैटेगरी के अंदर, दिल्ली के निवासियों के लिए जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए। अब इसमें जो है क्लासेस सेकेंड से लेकर एट्थ तक केवल ड्रॉ निकलेगा और उसके बाद आपको अपने फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे स्कूल्स में और आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। कोई इसमें टेस्ट या कोई इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन क्लास नाइन्थ के लिए इंटरव्यू या टेस्ट देना पड़ सकता है बच्चों को। क्लास नाइन के लिए जो ड्रॉ निकलेंगे वो दुगने निकलेंगे, मतलब डबल निकलेंगे, और उनमें से आधे ही बच्चों का एडमिशन होगा जो टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है, स्कूल पर डिपेंड करता है, जिस स्कूल में आपका अलॉट हुआ है, जो स्कूल नाम आया है, वहां पे क्या प्रक्रिया है, वहां पर किस तरह से बच्चों का रिटन टेस्ट लिया जाए या ओरल इंटरेक्शन किया जाए, उस बेसिस पर फिर उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये क्लास नाइन का थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी क्लास टू से लेकर जो है एट तक कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होगा, केवल जो ड्रॉ निकलेगा फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन ले सकते हैं आप। अब इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, अगर मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है दिल्ली का बना हुआ जिसमें कि 1 लाख से कम इनकम मेंशन है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आय कार्ड है आपके पास, बीपीएल कार्ड है आपके पास, और फूड सिक्योरिटी कार्ड है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, सारे ही नहीं चाहिए, कोई एक डॉक्यूमेंट अगर है दिल्ली के बने हुए होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के अंदर एडमिशन्स के लिए स्कूलों में। आपको एक और डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है, रेजिडेंस प्रूफ, कि आप दिल्ली के निवासी हैं, यहाँ के रेसिडेंस का, यहाँ का एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा, जो कि जो भी है वोटर आईडी हो सकता है आपका, आधार कार्ड हो सकता है, जो भी आपका रेसिडेंस जहाँ आप रह रहे हैं अभी वहीं का आप जमा कर सकते हैं। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। तो कल से फॉर्म निकल रहे हैं, 18 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और लास्ट डेट है 25 अगस्त शाम 5 बजे तक। तो यही अपडेट मुझे आपको देनी थी। अगर आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है क्लास 2 से लेकर 9 तक, तो आप ज़रूर एक्टिवली देखें और वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर दें और अप्लाई कर दें। तो ये थी आज की जानकारी, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, दूसरों तक जरूर पहुंचाए, किसी न किसी के हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।